नमस्कार दोस्तों, वही शॉप जैसल में मैं आपका स्वागत है। मित्रों, मैं भ्रमण अमूमन करता रहता हूँ, ऐसा मैंने पूर्व में भी कहा है, लेकिन आज मैं जब यहाँ जंगल में आया तो यहाँ कई वनस्पतियाँ हैं। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, यहाँ की वनस्पति में कई प्रकार के ऐसे पौधे हैं जो जब आदमी जंगल में घूमता है तो उसको एक राहत देने के लिए है। उसमें हम जैसे कहते हैं गोंगी होती है, केयर है, केयर जब पक जाते हैं तो उसको पका कहते हैं, मीठा होता है वह है, और उसके साथ में खोखे जो अभी वर्तमान में जो पहले तो यहाँ नहीं हुआ करते थे, अब चापटी है वह भी लोग खाते हैं। उसके साथ खिजड़ी का वृक्ष होता है, उससे खोखे निकलते हैं, यानी कि सांगरी हो जाती है, सूख जाती है तो कुछ सूखने के बाद भी उसको खाते। इस तरह की यहाँ कई वनस्पतियाँ हैं। मैं तो एक थोड़ा सा आपको एक दिखाने का प्रयास कर रहा था कि एक नई चीज़ यहाँ देखने को। आज पुनः एक बार फिर कैक्टस के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो मैंने कैक्टस का जो पार्क है कुलदरा में उसका पूरा आपको दृश्य दिखाया है, और नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कुलदरा का कैक्टस पार्क, लेकिन जैसलमेर में अमूमन उस तरह के कैक्टस नहीं देखने को मिलते हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन वर्तमान में मैं आज जब यहाँ घूमने निकला तो हमारे यहाँ थोर होते हैं, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बड़े बड़े आकार के होते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ अलग तरह के थोर भी यानी कि कैक्टस देखने को मिले। वही मैं आज देखकर के अचंभित हो गया। यहाँ कई वनस्पतियाँ थी, उसके साथ वह भी जो मैंने देखा तो उसको मैंने कैमरे में कैद किया है, वही आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, उसी के साथ साथ में औषधीय की बात करें तो यहाँ औषधियाँ इतनी है कि उसकी कोई लिमिट यानी कि कोई सीमा नहीं है, और बिल्कुल शहर के नज़दीक है। क्योंकि यहाँ का जो हमारा औषधि ज्ञान है वह थोड़ा सा पूर्व की बनिस्पत अब सिमट रहा है, तो यहाँ की औषधियों पर लोगों का थोड़ा ध्यान कम जाता है। एक पार्क मैंने जो औषधि के लिए यहाँ सरकार ने रिजर्व करके रखा है यहाँ की वनस्पति संरक्षण के लिए, उसकी भी मैंने कई क्लोजअप लिए है, वो फिर मैं बताऊँगा। क्योंकि उस समय मैं जब गया था वहाँ बारिश नहीं थी और पूरा वीरान था, और बारिश अभी भी कम है। दोस्तों, आज तारीख 21 अगस्त है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको इस तरह के दृश्य दिखाता रहूँ और यहाँ की वनस्पति जगत दिखाता रहूँ। आप देखते रहिए, आपको यहाँ के बारे में कोई जानकारी जो चाहिए या मैं दे सकता हूँ उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप, और अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए आया था, मेरे पीछे की तरफ यहाँ काफ़ी वनस्पति है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ की नहीं है, हो सकता है कोई हवा के जरिए कोई बीज आ गया हो या किसी ने कोई टुकड़ा ला के यहाँ डाल दिया हो तो यहाँ वह पनप चुकी है। मैं यहाँ आज भ्रमण कर रहा था और मैंने ये देखा, आपको दिखाया। चूँकि कैक्टस मैंने पूर्व में बता चुका हूँ, कई आपको दिखाए हैं, लेकिन ये यहाँ जब मुझे जंगल में दिखा तो मैंने देखा यह हमारा जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान का हम कह सकते एक अंतिम वह जिला है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लगती है। वहाँ रेत, पथरीली ज़मीन, मैदान सभी कुछ है, तो उसमें जो वनस्पतियाँ हैं वो दिखाता हूँ। तो देखते रहिए दोस्तों, मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।